जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो आप लोग की वैकेंसी नवंबर 2023 में आने वाली, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड की थी। जी हाँ, एसएससी ने अपने वेबसाइट पे भी इसकी जानकारी आप लोग को दे दी है। एसएससी ने कैलेंडर में सुधार किया है, इसमें आप लोग को जानकारी दी गई है सबसे नीचे की आप लोग की भर्ती यहाँ पे आ रही है। जी हाँ, 24 नवंबर 2023 का समय आप लोग को दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई का। 28 दिसंबर 2023 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फरवरी मार्च 2024 आप लोग के रिटर्न एग्जाम की डेट यहां पे बताई गई है। न्यू रिक्रूटमेंट है, जी हां, 24 नवंबर 2023 का समय आप लोग को दिया है। तो मेरे द्वारा आप लोग को जानकारी दे दी गई, एसएससी ने भी आप लोग को नोटिस में जो भी आप लोग उनका कैलेंडर है इसमें आप लोग को यहां पे अपडेट कर दिया है। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी आई है उसके बाद से बहुत से नोटिस वायरल हो रहे हैं। कोई एसएससी का नोटिस है, कहीं आरटीआई है, मीन्स कई प्रकार के नोटिस यहां पे वायरल हो रहे हैं। किसी में कुछ वैकेंसी, किसी में कुछ वैकेंसी, तो इस प्रकार के काम होने लगते हैं क्योंकि वैकेंसी एसएससी जीडी एक बहुत ही बड़ी भर्ती है और इससे बहुत से लोगों को फायदा भी होता है। बिल्कुल इसी वजह से आप लोग के इस प्रकार के नोटिस यहां पे वायरल होते हैं। लेकिन इससे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कितनी वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आप लोग जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से, रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन ही आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जी आप लोग देख सकते हैं ये एक आरटीआई है जो कि वायरल हो रहा है, तो आरटीआई को लेकर के भी स्टूडेंट परेशान थे। तो देखिए, आरटीआई का मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सभी नोटिस की जानकारी यहाँ पे नहीं दी जा सकती। 50 नोटिस यहाँ पे वायरल होते रहते हैं, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आरटीआई की जानकारी आप लोग को दी जाती है। बिल्कुल यहाँ पे आरटीआई ये सही है, आरटीआई में कोई कमी आप लोग की यहाँ पे नहीं है। 20 सितंबर 2023 का है यहाँ पे आरटीआई का जवाब, जो भी दिया गया है, जो भी कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे आरटीआई लगाई थी, तो 20 सितंबर को यहाँ पे जवाब दिया गया है। और यहाँ पे 21/8/2023 को इन्होंने आरटीआई लगाया था। आरटीआई के नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ दिया, आरटीआई में कोई कहीं कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल आरटीआई को लगाया गया, जवाब आरटीआई के द्वारा यहाँ पे आया गया है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के तहत जानकारी दी गई है। सीएपीएफ की जो वैकेंसी की डिटेल इन्होंने मांगी थी, सीएपीएफ की वैकेंसी के अंतर्गत आप लोग की एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी हो गई, एसएससी एसआई जीडी हो गई आप लोग की, और इसके अलावा यूपीएससी सीएपीएफ में आप लोग की जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे आप लोग की सीएपीएफ के अंतर्गत सारी वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे दी है आरटीआई ने। जिन्होंने भी जवाब मांगा है सीएपीएफ की वैकेंसी का, पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी है। सीआरपीएफ की वैकेंसी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल, इसमें आप लोग की कांस्टेबल जीडी की भी भर्ती है और इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर जीडी की भर्ती है, और इसके अलावा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भी आप लोग की यहां पे वैकेंसी है। टोटल 84,866 टोटल पोस्ट यहां पे दिखाए जा रहे हैं सीएपीएफ के। जी हां, टोटल 84,866 पोस्ट यहां पे दिखाए जा रहे हैं सीएपीएफ की वैकेंसी, जिसमें की जीडी, एसआई और एसी की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है द नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024, यानी कि जो नोटिफिकेशन है आप लोग का कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 का, ठीक है, 2024 की जो भर्ती है, विथ डिटेल ऑफ वैकेंसी कंटेंट देर इन इज लाइकली टू बी इश्यूड बाई एसएससी इन मंथ ऑफ नवंबर 2023। तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बताया गया है जो भी नोटिफिकेशन है आप लोग के कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 है ये आप लोग का, जी हाँ, लेकिन वैकेंसी जो है आप लोग की नवंबर 2023 में यहाँ पे निकाली जा रही है। तो और उसमें शामिल रिक्तियों का विवरण के साथ एसएससी द्वारा नवंबर दिसंबर 2023 में जारी किए जाने की संभावना है। तो उसमें जो भी वैकेंसियां शामिल की जाएंगी उसका विवरण एसएससी के द्वारा नवंबर दिसंबर 2023 में आप लोग की जो है जारी करने की संभावना है। वैकेंसी की डिटेल नहीं दी गई है, इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसमें जो भी रिक्तियां होंगी वो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा। नवंबर दिसंबर 2023 में जो एसएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके उसमें ही आप लोग को जो वैकेंसी आप लोग की निकल रही है जीडी एग्जामिनेशन 2024 की, जी हाँ, उसकी जानकारी आप लोग को उसमें मिलने वाली है। अब स्टूडेंट परेशान है कि सर ये 84,866 वैकेंसी है, आप लोग को पता होना चाहिए जो वैकेंसी की डिटेल है ये 1/1/2023 की है। जी हाँ, 1/1/2023 की है और आप लोग की रिक्रूटमेंट निकलने वाली है कांस्टेबल जीडी 2024 एग्जामिनेशन। जी हाँ,
नोटिफिकेशन आप लोग का जो है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 का है, लेकिन नोटिस को जो है नवंबर दिसंबर 2023 में यहां पे निकाला जा रहा है और ये वैकेंसी आप लोग की है 2023 की। जी हाँ, 1/1/2023 की वैकेंसी का डिटेल इन्होंने दिया है, क्योंकि 24 की वैकेंसी की डिटेल नहीं है, 23 की वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो इस वैकेंसी में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग के जो 51,000 प्लस वैकेंसियां अभी एसएससी जीडी की भरी गई हैं वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो 2023 की वैकेंसी है जिसे कि 2022 अक्टूबर नवंबर में निकाला गया था नोटिफिकेशन को, और वैकेंसियां इंक्रीज होती रही हैं 2023 में, यानी कि 2023 की वैकेंसी थी, नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, तो इसी में से आप लोग की जो है एसएससी जीडी की भर्ती हुई है, यानी कि जिसका प्रोसेस चल रहा है, बच्चों के पास ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, 1/1/2023 की वैकेंसी है ये, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो 51,000 प्लस आप लोग की वैकेंसी एसएससी जीडी की, इसके अलावा एसआई की वैकेंसी अभी 1700 प्लस जो सीपीओ के थ्रू यहां पे निकाली गई है वो वैकेंसी, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आप लोग की जो है टोटल यहां पे काउंट की जाए तो 600-700 के आसपास आप लोग की रहने वाली। तो 2023 में आप लोग को पता होना चाहिए कुल मिला के 54,000 के आसपास जो है वैकेंसियां निकाली गई हैं, तो 54+30,000 वैकेंसियां यहां पे शेष हैं 2023 में, जिसकी गणना आने वाली रिक्रूटमेंट में की जानी है। जी हां, जिसकी गणना आने वाली रिक्रूटमेंट में की जानी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, 30,000 वैकेंसियां यहां पे शेष हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि 1/1/2023 को जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी निकाली जा रही है, ऐसा नहीं कहा गया। जो भी 2024 का नोटिफिकेशन है उसमें कितनी वैकेंसियां आएंगी, नवंबर दिसंबर में जो निकाला जाएगा नोटिस को, नवंबर दिसंबर में पहले निकाला जा रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन से ही लगने वाली। तो देखिए, मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि 84,866 यहां लिखे होने से ये कहीं नहीं पता चलता कि आपकी वैकेंसी 84,866 यहां पे आ रही है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कितनी वैकेंसियां 2023 में शेष हैं। जी हां, इससे ये अनुमान लगता है कि 30,000 के आसपास वैकेंसी 2023 की यहां पे शेष है, जिसे कि 2024 के नोटिफिकेशन में निकाला जा सकता है। क्या 30,000 वैकेंसी पूरी पूरी आएगी? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वैकेंसियां कम हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, तो इसकी जानकारी देना इस आरटीआई के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा बिल्कुल क्लियर होता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा जाता कि नवंबर दिसंबर 2023 में एसएससी के द्वारा इतनी वैकेंसी निकाली जा रही। तो सारा कुछ यहाँ पे एसएससी पे छोड़ा गया है, एसएससी जो भी वैकेंसियों की गणना करेगा, प्रीवियस की जो वैकेंसियां रह रही है, क्या 2024 के रिक्रूटमेंट जो भी वैकेंसियां हैं उसमें कुछ वैकेंसियां इंक्रीज होंगी नहीं होंगी, तो देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कोई कंफ्यूजन ना बने, 84,866 वैकेंसी नहीं आ रही है। एक रो में मैं आप लोग को क्लियर आंसर दे रहा हूं, 84,866 वैकेंसी नहीं आ रही है। यदि इस वैकेंसी को देखा जाए तो ये 2023 की वैकेंसी है, जिसकी की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, कुछ पोस्टें निकाली गई, कुछ शेष रह रही हैं, कुछ शेष वैकेंसी रह रही हैं, उसके आने के पूरे पूरे चांस है, आगे कितनी वैकेंसियां रहेंगी नहीं रहेंगी ये नहीं बताया जा सकता। तो 30,000 से कम वैकेंसी आप लोग को जरूर यहां पे देखने को मिलनी चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन 84,866 वैकेंसी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट बोलेंगे सर सीआरपीएफ की इतनी वैकेंसी थी, पहले ये थी, एसएसबी की इतनी थी, तो देखिए वैकेंसियां पहले की भी 2022 की होंगी, इंक्रीज की गई होंगी, 2023 की जो वैकेंसी है 2024 में ऐड होंगी, तो ये तो ठीक है, इन सब चीजों पे आप लोग गौर मत कीजिए, मैं आप लोग को क्लियर जानकारी दे रहा हूं। 2023 की वैकेंसी का नोटिस 2022 में निकाला गया था, 2024 की नोटिस का वैकेंसी 2023 में निकाला जा रहा है, 2023 की रिक्रूटमेंट है ये पूरी पूरी, जो वैकेंसी शेष रह गई है उन वैकेंसी में से आप लोग की वैकेंसी यहां पे देखने को मिलेंगी। यदि कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी यहां पे ऐड होती हैं 2024 के अनुसार तो इसकी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। तो कुल मिला के आप लोग को इसकी वैकेंसी की एक्चुअल जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन 80,000 प्लस वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसियां कम ही होंगी, 30,000 या 30,000 से आसपास कम वैकेंसियां रह सकती हैं। आने वाले समय में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी, मेरे सूत्रों के द्वारा
कोई नोटिस मेरे को वायरल मिलता है तो ही मैं आप लोग को जानकारी दे पाऊंगा। अदर कोई नोटिस वायरल हो रहा है उससे जानकारी देना पॉसिबल नहीं है इस वक्त। जी हाँ, कोई नोटिस कैसे तैयार किया गया, कैसे नहीं तैयार किया गया, नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। तो वेट कीजिए, तैयारी कीजिए आप लोग। वैकेंसी उम्मीद की जाती है अच्छी आप लोग को देखने को मिले, बट 84,866 वैकेंसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से यह कहूंगा चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर जरूर, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।